नमस्कार, क्या सवार है? वैसे तो रहने वाली श्रीनगर की रहने वाली हूँ, लेकिन अप्रैल 1990 में हमें अपना घर छोड़ना पड़ा था। और मेरी परवरिश जो है वो दिल्ली में हुई है, और मैंने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो कि मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में की है। और मैं पहली दफ़ा अपने घर, अपने वतन 28 साल के बाद आई थी अप्रैल में एक इवेंट के सिलसिले में, और अब मैं दोबारा आई हूँ। और इस दफ़ा मुझे और भी अच्छा लग रहा है, कि और भी ज़्यादा अपनापन लग रहा है। मुझे कश्मीरी ज़बान से बहुत मोहब्बत है, ये मेरी अपनी ज़बान है। और मैंने देखा कि मुझे बहुत दुख होता था कि यहाँ सिर्फ कश्मीर में नहीं, जो कश्मीरी बाहर भी रहते हैं वो भी कश्मीरी ज़बान में बात नहीं करते, जिस बात की मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो ये हमारी ज़बान है वो प्रमोट हो। तो मैंने जो है वीडियोज़ बनाने शुरू किए, जो ह्यूमरस वीडियोज़ होते हैं, मज़ाहिया वीडियोज़ होते हैं, जिनके ज़रिए मैं कश्मीरी में एक मैसेज देने की कोशिश करती हूँ, सोशल इवेंट्स के बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग लिखा करते हैं कि आज हमने आपका वीडियो देखा तो हमने कोई नया लफ्ज़ सीखा या हमने कोई नया फ्रेज सीखा। मैंने जो ये वीडियोज़ बनाए तो मेरा शायद एक वाहिद पेज है असून कशुर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ लोग कभी लड़ा नहीं करते। आप कभी भी देखिए, वहाँ जो है पंडित और मुसलमान या सरदार जो कश्मीरी समझते हैं, भले चाहे हमारे जितनी बोलती ना हो, वो वहाँ आकर कश्मीरी में हंसा करते हैं, अपने कुछ लतीफ़े, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है इन, मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा कहना ना हो, तो इन वीडियोस की वजह से जो है लोग भी बहुत नज़दीक आए हैं। यहाँ की आवाम को यही रहेगी कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, पढ़िए लिखिए। और इतनी यहाँ खूबसूरत हमारी ये वादी है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, यहाँ बहुत कूड़ा है, बहुत गंदगी है सड़कों पे। अभी हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, लेकिन यहाँ भी हमने कई बागों में देखा जो चिप्स के पैकेट्स हैं और जो कोल्ड ड्रिंक्स के बचे हुए डब्बे हैं, टिन्स हैं। ऐसा ना करें, ये वादी इतनी खूबसूरत है, इसको खूबसूरत ही रहने।